नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कालपी में कृषि आधारित उद्योग विषय पर संपन्न हुई एक दिवसीय कार्यशाला। खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र में अनुरागनी संस्था द्वारा एक दिवसीय कृषि आधारित उद्योग विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पधारे श्याम बिहारी गुप्ता, सदस्य कृषक आयोग लखनऊ के द्वारा उपस्थित किसानों तथा महिला समूह सदस्यों को गांव में ही कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर स्वावलंबी बनने तथा ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने के तमाम उपायों को विस्तार से बताया गया। मंचासीन संस्कार भारती सांझी झांसी मंडल प्रभारी उदय प्रताप सिंह, विकास सिंह बागी, हरगोविंद सिंह आदि ने मुख्य रूप से जैविक कृषि पर जोर दिया। मुख्य वक्ता ने जैविक खाद और गौमूत्र गोबर आदि का किस तरह अपने खेत पर प्रयोग किया जा सकता है और उसकी उपज लेनी है, किस तरह गांव से उत्पादित वस्तुओं को गांव में ही विभिन्न प्रकार से कन्वर्जन कर रोजगार पा सकते हैं विस्तार पूर्वक बताया। इसी के साथ ही अन्य वक्ताओं ने गांव पर आधारित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा उसका लाभ कैसे पाना है यह बताया। जैविक खाद और खरपतवार तथा तमाम प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जैविक कीटनाशक बनाना और उसका प्रयोग कैसे करें उसकी भी जानकारी दी गई। देसी गाय से प्राप्त होने वाले पंचगव्य गौमूत्र गोबर गौ दुग्ध दही और घी को अमृत बताया और गौमूत्र के सेवन से शरीर की 100 प्रकार की बीमारियों से होने वाले लाभ की बात कही। बंजर और अनुपजाऊ भूमि के सुधार की जैविक पद्धति भी बताई गई। शुद्ध हवा शुद्ध जल के लिए वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी प्रकाश डाला। खासकर देसी गाय पालन पर बल दिया गया, जिसमें एक गाय को पालने वाले किसान को क्या सरकारी मदद मिल रही है, बागवानी जैविक सब्जी अन्न का जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है विस्तार से बताया गया। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से शिशुपाल सिंह गोयल, प्राचार्य जिला खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र कालपी विजय सिंह उसरगांव, अतुल कुमार गुप्ता कालपी मुन्ना सिंह नरहान, अतुल सिंह चौहान महेवा, ब्रिजेंद्र सिंह सुनील प्रजापति कालपी सोनू महाराज, सुरेंद्र राठौर अनुराग पंडित मैनूपुर, सुबोध द्विवेदी कालपी मनोज पांडे नरहान, प्रीति देवी हेमलता राजा बेटी जोलहूपुर, महेश चंद्र देवकली, राजकुमार दुबे मटरा, पुनीत कुमार नीरज द्विवेदी पिपरिया, मुकीम कदौरा, दीपका देवी छौंक, जोगेंद्र निषाद व्यास मंदिर, संध्या प्राप्ति, सुमन देवी मरगाया, अनुराग कुंदन लक्ष्मी उरई, श्याम जी परासन, लोकेंद्र सिंह मुसमरिया, राहु प्रजापति इटौरा, शिवराम मगरौल, अंशुमान सिंह श्याम जी परासन, वैभव विश्नोई कालपी, एसपीएस सोलंकी सहित एक सैकड़ा से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। प्रशिक्षण वर्ग का संचालन डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन ने किया। जालौन से के श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, ये आज कार्यक्रम रखा हुआ है, आपने एक मीटिंग रखी हुई है, किस उद्देश्य को लेके मीटिंग रखी है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मीटिंग के माध्यम से? कृषि आधारित उद्योग के विषय में ये आज की कार्यशाला थी और कृषि का जो मुख्य आधार है वो है, यदि हम केमिकल फार्मिंग करेंगे तो हमारा गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न नहीं होगा और उसका रेट सस्ता होगा। यदि हम क्वालिटी फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, गौ आधारित खेती करेंगे तो कृषि का उत्पाद गुणवत्ता युक्त होगा और उस पर जो प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होंगे तो देश और दुनिया में अच्छे खाद्यान्न की मांग है। तो हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड, सर्टिफाइड नेचुरल फूड को बुंदेलखंड से सब जगह जाए, जिससे गाँव में ही लोगों को रोजगार मिले, खेती की लागत कम हो, छुट्टा गाय की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इसका आधार है वो एक गाय। हम लोगों का एक नारा है, किसान खेत पर, खेत पर गाय, और एक गाय से प्राप्त होने वाला नित्य 5 से 7 लीटर मूत्र, 10 किलो गोबर, उससे जीवामृत बीजामृत धन जीवामृत बन के प्राकृतिक खेती हो और वो जो क्वालिटी खाद्यान्न है वो, जिससे हमारे घर में बीमारियां नहीं होंगी और जो लोग भी उसका खाद्यान्न का सेवन करेंगे वो भी बीमार नहीं होंगे। तो ये फैमिली फार्मर बनाने का भी अभियान है, जैसे हम फैमिली डॉक्टर रखते हैं इसी तरह से शहर के लोग फैमिली फार्मर बनाएं और उस किसान को रखें जिसके पास गाय हो और जिससे उनका बीमारियों का खर्चा लगातार कम होता चला जाएगा, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, कम पानी में खेती होती है तो पानी की समस्या का भी समाधान है, और यदि किसान खेत पर रहने लगे तो 2 एकड़ खेत में बहुत शानदार अपना जीवन यापन कर सकता है। एक अच्छा से अच्छा उद्योगपति, अच्छा से अच्छा एक IAS भी, उतना अच्छा शुद्ध हवा शुद्ध पानी शुद्ध भोजन नहीं मिल सकता जो हमारे किसान को उपलब्ध हो सकता है।
इस तरह की खेती करके किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा और उसमें उनके जीवन के सुधार में किस तरह से लाभ होगा? देखिए, मैं स्वयं एक किसान हूँ, मेरे पास 2.33 एकड़ खेती है। मैं अपने खेत पर गाय रखे हूँ, बछड़े हैं हमारे पास, मूत्र इकट्ठा करता हूँ, गोबर गैस चलाता हूँ। 14.5 फुट वाटर लेवल को हमने ऊपर किया है, ऊसर खेत को खेती लायक बनाया है। तो हम लोगों का है कि गाँव का पैसा गाँव में, मतलब जो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पर खर्चा हो रहा है वो ना हो, और किसान साल भर में 100 तरह की चीज़ें पैदा करें, अपना दलहन, अपना तिलहन, अपनी सब्जियाँ, अपना दूध, अपने अनाज फल सब्जियाँ, मतलब एक आत्मनिर्भर किसान बने और किसान का पैसा बाजार ना जाए बल्कि बाजार का पैसा किसान और गांव के पास जाए। अभी किसान सब चीज़ों पे पूरी तरह से प्रॉब्लम भी हो रहा है, DAP, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक सब कुछ बाजार से ले रहा है, बीमारियाँ हो रही तो दवाइयाँ बाजार से ले रहा है, यानी किसान पूरी तरह से प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने